एशिया कप 2023 के फाइनल में टीम इंडिया से मिली शर्मनाक हार के बाद श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी सदमे में हैं। श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों ने फिर जो कहा सुनकर देखकर हर भारतीय हैरान रह गया। जी हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले की, जो भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया। ये मैच ना बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं गया और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम, जो इस बार इस एशिया कप में सेकंड बेस्ट टीम रही है, उपविजेता टीम रही है, वो फाइनल में आकर कुछ ऐसा खेल दिखाएगी कि फिर उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान को जो बेस्ट गेंदबाजी लाइनअप है, जिनके पास ODI की नंबर वन टीम का रुतबा है, जिनके पास ODI के नंबर वन बल्लेबाज तक है, उस टीम को बुरी तरह से हराकर आ रहे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। उनके दिग्गज खिलाड़ियों ने तो बड़े बोल दिए थे कि भारत को भी हम पाकिस्तान की तरह हराएंगे, लेकिन भारत से उनके इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार में से एक मिल गई फाइनल के अंदर। और उसके बाद श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका तो उदास थे ही, लेकिन उसके साथ उनके दिग्गज खिलाड़ी भी काफी मायूस नजर आए। चलिए आइए आपको बताते हैं श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका समेत उनके क्रिकेट दिग्गज ने क्या कहा है और किस तरह से भारत पर बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है, भारतीय इतिहास की वनडे की सबसे बड़ी जीत बॉलर्स एस रहते हुए हासिल करी है। तो फाइनल को जीतकर 8वीं बार चैंपियन बनी है और इसी के साथ श्रीलंकन क्रिकेट टीम के नाम हो गए हैं कई शर्मनाक रिकॉर्ड। पहला बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड ये उनका सेकेंड लोएस्ट स्कोर था, फाइनल में सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है एशिया कप के अंदर। और उनके साथ में उनका एक बड़ा रिकॉर्ड ये हुआ कि गेंद शेष रहते हुए सबसे बड़ी हार उन्हें झेलनी पड़ी है। श्रीलंका के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि भारत के खिलाफ आज तक इतना कम छोटा स्कोर किसी भी टीम ने नहीं दिया, जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर दिया। और इस तरह से एशिया कप में श्रीलंका को बड़ी ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है और जो हार उनके दिग्गज खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहे हैं। चलिए बताते हैं उनके दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से क्या बड़े बयान आ रहे हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कप्तान दसुन सनाका ने क्या कहा। उन्होंने कहा मोहम्मद सिराज ने आज जिस तरह की गेंदबाजी करी वो वाकई में काबिले तारीफ है, उन्होंने जिस तरह का ट्यून सेट किया हमें बाहर ही नहीं आने दिया, मुझे लगा कि ये पिच बल्लेबाजी को मदद करेगी लेकिन तेज गेंदबाजों को करेगी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, शायद मौसम की वजह से तेज गेंदबाजों को मदद मिली लेकिन जिस तरह से आज हमारी टीम ने खेल दिखाया बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने साथ ही में कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड की नंबर वन टीम है, ये सही मायनों में उन्होंने आज दिखा दिया इस तरह की जीत हासिल करके। और हम आपको बता दें कि उनके पूर्व कप्तान लसित मलिंगा ने भी बड़ा बयान दिया है। लसित मलिंगा ने कहा जिस तरह का खेल आज भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में दिखाया ये वाकई में सराहनीय है, लेकिन जिस तरह का खेल श्रीलंका ने दिखाया वो स्वीकार्य नहीं है, यह आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कप्तानी और आपके खिलाड़ियों पर बहुत से सवाल उठाते हैं। हाँ हम मानते हैं कि आपकी ये सेकंड टीम थी क्योंकि आपके प्रमुख और दिग्गज खिलाड़ी चोटिल थे और जिसकी वजह से आप बाहर थे, लेकिन जिस तरह का खेल आपने पिछले 2 सालों से दिखाया है एशिया कप के अंदर और फाइनल में इस तरह का ये स्वीकार्य नहीं है और भारतीय टीम के सामने आपको बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरह पेश नहीं आना चाहिए। लसित मलिंगा के साथ में बात करें अगर कुमार संगकारा की तो उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तो खासतौर पर मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ करी है, उन्होंने कहा सिराज ने जिस तरह का स्पेल फेंका वो वाकई में सराहनीय है, सिराज आखिरकार ODI के नंबर वन गेंदबाजों में से एक है, ये आज उन्होंने दिखा दिया, रूथलेस गेंदबाजी, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस तरह की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती है, आप भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है और आपके दिग्गज खिलाड़ी भी वर्ल्ड क्लास रहे हैं, तो ऐसे में आपको अच्छी प्रदर्शन से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए इन सबका क्रेडिट भारत को दे दिया। इसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि उनके ओपनर जयसूर्या ने भी एक बड़ा बयान दिया है। जयसूर्या ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की हार हमें फाइनल के बड़े मंच पर मिल जाएगी, मुझे लगा कि हमने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया, हमारी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, शायद इंडिया के खिलाफ भी वो ऐसा कर सकते थे लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, ये दिखाता है कि इंडिया वाकई में कितनी बड़ी औहदे की टीम है, ये दिखाता है कि उनकी गेंदबाजी लाइन सही मायनों में नंबर वन टीम है, असली किंग और नकली किंग में फर्क पता चला है। कुल मिलाकर श्रीलंकन क्रिकेट टीम इन सब का क्रेडिट भारतीय टीम को दे रहे हैं और पाकिस्तान को कम औहदे की टीम बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा ग्राउंड में और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, ऑन पेपर बोर्ड पाकिस्तान भले ही नंबर वन टीम है लेकिन नंबर वन टीम सही मायनों में टीम इंडिया है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।